हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का और क्वेश्चन। एनर्जी गिवन है ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर ई नॉट। एनर्जी गिवन है ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर ई नॉट। हेयर एन इक्वल्स टू 1, 2, 3। तो एनर्जी डायग्राम हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एनर्जी डायग्राम ये हमारा एनर्जी डायग्राम है। इसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। सपोज एन इक्वल्स टू 1 के लिए है, ये एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन। तो इसका एनर्जी लेवल हमें डिफाइंड है एन स्क्वायर ई नॉट। एनर्जी लेवल डिफाइंड है एन स्क्वायर ई नॉट। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ई नॉट, तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट। 2 का स्क्वायर 4 ई नॉट। फिर एन इक्वल्स टू 3, 3 का स्क्वायर 9 ई नॉट। एन इक्वल्स टू 4, 16 ई नॉट। ओके, तो ये हमारा एनर्जी का डायग्राम है। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने फिल होंगे ये डिपेंड करेगा इसके स्पिन पे। स्पिन हमारे पास दो तरह का पार्टिकल है, एक स्पिन 3/2 और दूसरा स्पिन 1/2। तो इसमें स्पिन कितना है वो डिपेंड करेगा कि इसमें पार्टिकल कितना होगा। वो कैसे पता चलेगा, तो किसी भी एनर्जी लेवल्स में कितने पार्टिकल फिल होंगे वो डिपेंड करता है उसके मल्टीप्लिसिटी पे। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s+1। अब स्पिन 3/2 पार्टिकल के लिए, स्पिन 3/2 पार्टिकल के लिए मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा। मल्टीप्लिसिटी फॉर स्पिन 3/2 पार्टिकल कितना होगा, 2 × 3/2 + 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए, 4। तो ये तो हो गया स्पिन 3/2 के लिए कि इस एनर्जी डायग्राम में कितने पार्टिकल फिल्स होंगे। हमारा दूसरा पार्टिकल है जिसका स्पिन कितना है, 1/2 है। मतलब इस फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए मल्टीप्लिसिटी 2 आ गया। मतलब एक एनर्जी लेवल में दो ही पार्टिकल फिल किए जा सकते हैं, इसमें दो ही पार्टिकल फिल किए जाएंगे। हर एक में दो ही पार्टिकल फिल किए जा सकते हैं। ये 1 E0, इसका एनर्जी 1 E0 है। 4 E0, एनर्जी तो सबका सेम है क्योंकि एन स्क्वायर ई नॉट की है। 9 E0 एंड 16 E0। अगर हम 4 ही एनर्जी लेवल्स ले रहे हैं तो अब हमें निकालना है कि फर्मी एनर्जी का रेशियो निकालना है। लेवल होता है कि एट 0 डिग्री टेम्परेचर हाईएस्ट फील्ड एट जीरो केल्विन द हाईएस्ट फील्ड एनर्जी स्टेट। तो इसमें हम पार्टिकल कितना ले, सबसे पहले इसमें हम पार्टिकल कितना ले सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या ले सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल हम कितना ले सकते हैं, तो फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे जितने भी एनर्जी स्टेट होंगे वो सारे फील्ड होंगे, और फर्मी लेवल से ऊपर जितना भी स्टेट होगा वो वैकेंट होगा, वो खाली होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हम ले सकते हैं, इसमें हमें पूरा फिल करना है।
तो सपोज़ कि नंबर ऑफ पार्टिकल 8 ले या 12 भी ले सकते हैं, तो सपोज़ कि हम 12 ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 12 ले सकते हैं, n इक्वल्स टू यहाँ पे हम 12 ले रहे हैं। 12 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये तीनों एनर्जी लेवल फिल हो जाए। तीनों एनर्जी लेवल को हमें फिल करना है, तो ये 12 पार्टिकल से एनर्जी लेवल फिल हो गया। ये हो गया 1E0, ये हो गया 4E0, 9E0, 1, 2, 3, तीन एनर्जी लेवल भर गया। अब हाईएस्ट फिल स्टेट इसका कौन सा है? n इक्वल्स टू 3 के लिए। ये हो गया फर्मी लेवल, और इसका एनर्जी हो जाएगा फर्मी एनर्जी लेवल। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हमने 12 लिया है, तो ये एस्पिन 3/2 के लिए, और एस्पिन 3/2। अब स्पिन 1/2 के लिए 12 फिल करने हैं, तो हमें 6 लेवल्स लेने पड़ेंगे। अब ये 12 नंबर ऑफ पार्टिकल को फिल करना है, तो हमारे पास 6 लेवल होने चाहिए। और इसके ऊपर जितना होगा, n इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36E0, 25E0, 16E0, 9E0, 4E0, 1E0। अब हमें रेशियो निकालना है फर्मी एनर्जी का। फर्मी एनर्जी मतलब कि हाईएस्ट फ्यूल स्टेट कौन सा है? 6। इसका हाईएस्ट फ्यूल स्टेट कौन सा है? n इक्वल्स टू 3 के लिए। ये इसका हाईएस्ट फ्यूल स्टेट है, और इसका ये हाईएस्ट फ्यूल स्टेट है, तो एस्पिन, ये एस्पिन हाफ के लिए। इसके लिए एस्पिन 3/2 के लिए फर्मी स्टेट, फर्मी लेवल कौन सा है? n इक्वल्स टू 3 पर। तो रेशियो हमें कौन कौन सा निकालना है? रेशियो निकालना है 3/2 to 1/2। रेशियो निकालना है फर्मी एनर्जी का 3/2 to 1/2। सबसे पहले फर्मी लेवल हमें पता करना है, तो फर्मी लेवल कौन सा है? कि जो नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्यूल स्टेट है, तो हमने लेट्स पार्टिकल 12 के लिए लिया, तो इसके लिए फर्मी स्टेट n इक्वल्स टू 3 के लिए आया। तो n इक्वल्स टू 3 का एनर्जी लेवल क्या है? 9E0। n इक्वल्स टू 3 के लिए एनर्जी कौन सा है? 9E0। फिर फर्मी लेवल 1/2 स्पिन हाफ के लिए, स्पिन हाफ के लिए हाईएस्ट फ्यूल स्टेट कौन सा है? 6। n इक्वल्स टू 6 का, 6 के लिए जो एनर्जी स्टेट है वो फर्मी लेवल है, और इसका एनर्जी कितना है? 36E0। तो ये कितना आ जाएगा? 36E0। इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 1/4। अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी मतलब ये लेंगे कि ये स्टेट फील्ड हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल हम यहाँ 12 ले सकते हैं, या 8 ले सकते हैं, या 4 ले सकते हैं, या 4 के मल्टीपल में कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि तभी ये स्टेट फील्ड हो सकते हैं। और फर्मी लेवल के नीचे का स्टेट टोटल फील्ड होगा, और इसके ऊपर का टोटल स्टेट वैकेंट होगा, इसके ऊपर पार्टिकल जीरो होंगे। अगर हम n इक्वल्स टू 8 भी लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर n इक्वल्स टू हमने 8 लिया, n इक्वल्स टू 8, तो इसके लिए फर्मी लेवल कौन सा हो जाएगा? n इक्वल्स टू 2 के लिए, ये 4E0, इसका फर्मी एनर्जी हो जाएगा।
तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल 8 लिया है तो इसका फर्मी एनर्जी 3/2 के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 के लिए 4E0। रेशियो निकाल देंगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल 8 है तो स्पिन हाफ के लिए फर्मी लेवल कौन सा हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा, क्योंकि 8 पार्टिकल हमें फिल करने हैं तो 8 पार्टिकल फिल करने के लिए हमें 4 एनर्जी लेवल चाहिए। तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा फर्मी लेवल 1/2 के लिए, 16E0। इस केस में भी कितना आ जाएगा, 1/4। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल 4 लें तो इसके लिए भी फर्मी लेवल 1E0 और स्पिन हाफ के लिए 4E0, तो 1/4। इस क्वेश्चन में हमें फर्मी लेवल का रेशियो निकालना था जब स्पिन 3/2 है और जब स्पिन 1/2 है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हमें कैसे लेना है, नंबर ऑफ पार्टिकल हमें इस तरह से लेना है कि ये एनर्जी स्टेट फील्ड हो जाए, मतलब 4 के मल्टीपल में ये हम पार्टिकल ले सकते हैं और वो कुछ भी ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग स्पिन हाफ वाले एनर्जी स्टेट में उसको फिल करेंगे, उसका जो जो भी स्टेट हाईएस्ट लेवल पे होगा वो फर्मी लेवल होगा, उसका जो एनर्जी होगा वो फर्मी एनर्जी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/4, ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।